फ्रेंड्स मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं टेक्निकल कुलदीप। दोस्तों आज के इस वीडियो में बोयामोन माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको माइक कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास बोयामोन का माइक है और दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, ये 1149 रुपये का पड़ा था और काफ़ी जल्दी आ गया था मेरे पास, तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका और आप परचेस कर सकते हैं। इसलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये मिल जाता है आपको और ये कंटेंट अंदर का कुछ और मिल जाता है यूजर इसे यूज करने के लिए। अगर आप कैमरे के लिए यूज करना चाहते हैं तो ऊपर स्वाइप कर देंगे इस बटन को, अगर स्मार्टफोन के लिए करना चाहते हैं तो नीचे चीज़ें साइड में रखते हैं। आपको यूज़र गाइड मिल जाता है यूज करने के लिए, कैसे यूज करते हैं। तो ये दोस्तों आपको फोन मिल जाता है जो नॉइस को हटाता है, जो साइड में जो हम लोग साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं उससे जो आवाज़ आता है उसको दूर रखता है। ये है आपका 4mm का चेक। तो इसे साइड में रखते हैं, इसको देखते हैं। दोस्तों ये आपको 30 फीट मिलता है जो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसे एक वीक पॉइंट मिलता है कि आपको अगर आप इसे बार बार इकट्ठा करना फैलाना काफ़ी दिक्कत होगा, तो आप ऐसे में इसे खोलिएगा नहीं ज़्यादा जब यूज हो, इसे बस खोल के आप थोड़ा सा थोड़ा यूज करिए उसके बाद से खोलिए। और आप देख पा रहे होंगे ये मेन पॉइंट है। तो दोस्तों अगर आप इसमें एक सेल लगता है, सेल मैंने पहले से ही लगा चुका हूँ, तो आप ध्यान से लगाएंगे, आप प्लस माइनस देख के कि कहाँ है प्लस माइनस, उसे उसके तरीके से लगाएंगे, फिर इसे ऑफ कर देंगे बंद कर देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर स्मार्टफोन में यूज करना है तो ऑफ कर देना जैसे कि उस गाइड में देख रहे थे, और कैमरे के लिए यूज करना है तो कैमरे पर ले जा सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा वीक पॉइंट है, ये सारे मोबाइल फ़ोन में काम नहीं करता है, खासकर रेडमी के मोबाइल फ़ोन में काम नहीं करता है। तो इसके लिए एक थर्ड पार्टी ये पाता है जो वीडियो बनाते समय रिकॉर्डिंग होता है। तो मेरा भी रेडमी नोट 5 प्रो है तो इसमें यूज नहीं आता, इसलिए मैं थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ किया हूँ और मैं रिकॉर्डिंग इस माइक से नहीं कर रहा हूँ, किसी और माइक से कर रहा हूँ। तो अगली बार जब वीडियो बनाऊँगा तो इस माइक से करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, और आपको अगर अच्छी लगी तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।